सो हे गाइस, हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेल, आज मेरी सुबह 9:30 हुई है और फ्रेश होते होते 10 बज गए हैं। अभी नीचे जाऊंगी चाय बनाने के लिए, और आज मैं सोच रही हूँ ना, मैं आईब्रोज वाली को बुला लूँ। आईब्रो बहुत बढ़ गए हैं, देखो। नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर सामने से दिख रहे हैं, जब मिरर में देख रहे हैं ना। और हमारे घर के सामने महानगर पालिका वालों ने खोद दिया है, वहाँ पर पाइपलाइन आ रही है ना। हम बाहर जा सकते हैं पैदल पैदल, लेकिन गाड़ी तो निकाल नहीं सकते, कुछ नहीं, तो घर पर ही बैठे हुए हैं। आज थर्ड डे है, बाहर इतना डस्ट उड़ रहा है। अभी नीचे जाऊंगी ना, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं, ठीक है? एंड चलो दिन की शुरुआत करें गर्मा गर्म चाय से, फिर मिलती हूँ चाय पे आप लोगों को, ठीक है? ये तो गाइस, जैसे ही गेट ओपन किया, सामने ही जो है ना, इन लोगों ने खोद के रखा हुआ है। यहाँ पर साइड में हमारी फेंसिंग है, वो भी तोड़ दी इन्होंने, पूरी सोसाइटी में तोड़ी है। ये बिट्टू का स्कूल है हमारे घर के सामने, एग्जैक्टली। अच्छा, बिट्टू यहाँ पर जो है टीचर है, स्कूल में जॉब करती है। अभी वो आएगी 12:30-1 बजे तक। तो ये है मेरा फेवरेट बिस्किट, जीरे वाला। ये चाय के साथ में रोज़ सुबह मुझे चाहिए ही चाहिए। एंड मैंने फ़ोन भी किया, अभी देखो शायद से आईब्रो करने के लिए आ जाएंगी। वो मेरी फ्रेंड ही है, तो हम लोग एक दूसरे का कर देते हैं, है ना। लेकिन बेस्ट पार्ट ये कि वो घर पर आ जाती हैं, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता। और आप लोगों ने देखा कितना बेकार हाल कर रखे रखा हुआ है बाहर, और इतना डस्ट उड़ रहा है ना, पूरे गले में ऐसे किरकिर हो रही है। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं दिन में शूट कर लूँ, बट ये ऐसी प्रॉब्लम है ना कि लाइट बहुत आ रही जा रही है, और कब जेसीबी वाला आकर खोद कर चल जाएगा पूछो मत। और ये जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल भी मैं रेगुलर वीडियोस डाल ही नहीं पा रही हूँ, ऐसा चीज़ हो रही है। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, क्योंकि पता नहीं यहाँ पर क्यों लाइट का, जब थोड़ा सा ठीक चलता है कभी लाइट प्रॉब्लम देता है, कभी वाईफाई प्रॉब्लम देता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती ही रहती है। नीचे जादू भी बहुत बोल रहा है, ऐसा है। एवरी सैटरडे संडे बिट्टू के साथ में चाय रहती है मेरी, क्योंकि मेरे उठने से पहले तो वो चली जाती है। उसका टाइमिंग ही कुछ 8:30 का है स्कूल का, लेकिन ये अच्छा है कि एकदम घर के सामने ही है, कोई टेंशन नहीं है, है ना। अभी देखते हैं, उसको बोल भी रही थी दीदी कॉलेज जाना है, क्योंकि वो स्टडी के साथ में जॉब करती है ना। अब देखो कब चलना है कॉलेज, कब नहीं चलना है। चलो अभी मैं चाय पी लेती हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं पी तो आप लोगों ने डेफिनेटली पी ली होगी, या मेरे जैसे कोई लेट उठता है तो चलो साथ में मेरे चाय पी लो भी आप लोग भी, ठीक है? तो चाय पीकर फिर मिलते हैं आफ्टरनून में, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, स्केड्यूल कैसा बनता है, जैसा प्लान किया है वैसा बनता है या नहीं बनता है। हाय, ये चाय, टी लवर, टी लवर। आप लोगों में से किस किस को चाय पसंद है वो बताना, ठीक है? चलो गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर में। चलो गाइस, मैंने मुझे बोला था इसने, ये देखो ये आई है, मुझे इसने बोला था कि मैं आधे घंटे से आती हूँ, आधा घंटा इसका 15 मिनट में ही हो गया, या तो फिर मैंने चाय बनाते बनाते लेट हो गई, है ना। आप लेट हो गए, आप लेट हो गए, मैंने लेट हुई, आप लेट हो गए। कपड़े इतनी जल्दी धुल गए उसके, ठीक है। चलो हम आईब्रो कर लेते हैं, फिर आईब्रो करने के बाद मिलते हैं। सो गाइज, बहुत कोशिश की मैंने कि मैं जो है मतलब थोड़ा सा नैप ले लूँ, रेस्ट कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाया। अच्छा, बिट्टू ने ना कुछ ऑर्डर किया है, और उसने मुझे मना किया था कि खोलना मत, कुछ एक सरप्राइज है मेरे लिए, ठीक है? अब वो स्कूल गई हुई थी, लेकिन मैंने ना ओपन कर दिया, और वो मुझे सरप्राइज दिख गया कि एक्चुअली क्या है और वो क्या करने का मेरे साथ में प्लान कर रही है। वैसे जब वो देखेगी ना तो बहुत चिढ़ेगी मुझ पर कि आपने क्यों खोला मेरे से बिना पूछे, ठीक है? तो उसका समझ में आ गया कि क्या करने वाली है वो मेरे साथ में, और आप लोगों के साथ में वीडियो भी शेयर करूंगी मैं इसका, कि वो क्या करने वाली है मेरे साथ में, ठीक है? एंड दूसरी चीज़ ये कि अपनी जगह पे बैठ गई हूँ, अभी रेडी हो जाऊंगी और फिर उसके बाद शूट करना स्टार्ट करेंगे, और देखते हैं फिर कब तक शूट चलता है। आराम से मेरा 2 से 3 घंटे तो शूट चलता ही चलता है, ठीक है? एंड आज इवनिंग में मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है मम्मा को लेकर, तो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले चलो पहले मैं रेडी हो जाऊं, नहीं तो फिर ऑलरेडी लेट हो रहा है, फिर मुझे टाइम लग जाएगा, है ना। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से इवनिंग में, ठीक है? टाटा। Much, much, much later. देखो लैपटॉप पे चाय रखी हुई है, हमारा छोटा सा डाइनिंग टेबल। मैडम कैसा रहा दिन आज का? जबरदस्त। जो बच्चा नहीं भी बोलता ना, आज उसने भी बोला मालूम तुमको, वो भी पूरा प्रॉपर सेंटेंस में उसने बात किया आज।
मैंने मैंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज योर स्टेट नेम, जबरदस्त प्यार आ गया दूसरे पर। वही जो पिंगारिया पिंगानिया बजाता रहता है, मेरे को बोलता है मैम आज से मैं रोऊंगा नहीं, मैंने बोला अच्छा पिंगानिया जो। अच्छा बिट्टू तुझे मैं एक बात बतानी थी, रुक जा मैं ना फ्रंट कैमरा कर लूँ, दोनों को फिर साथ में देख पाएंगे, ठीक है? तूने तो मंगाया था ना मुझे पार्सल, आ गया? हाँ। दिखा 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 जल्दी दिखा जल्दी दिखा जल्दी दिखा देखा तो तू एक्चुअली क्या मेरे लिए सरप्राइज प्लान करी, वो दिख गया मुझे क्या है, लेकिन आप लोग को नहीं बताऊंगी गाइस मैं अभी, ठीक है ना? वीडियो भी लेकर आई है ना, मंगाया ना तूने? मुंह देखो इसका एक बार। चाय पी, अपने हाथों से पिटा दूंगी। चेक तो करना था ना कि भाई सच में रियल पीस है कि नहीं आया, नहीं तो वो फ्लिपकार्ट जैसे हो जाता पॉइंट ना। चाय में लौंग डालना स्टार्ट किया है, बहुत टेस्टी लगता है। हम लोग को लड्डू बनाने प्लान कर रहे हैं, हम लोग कितनी देर, दो दिन से तीन दिन से जो है ना खजूर लाकर रखे हुए सूखे वाले, ठीक है कि लड्डू बनाने लड्डू बनाने, लेकिन उनको तोड़े कौन 2 किलो को, ये चीज है। अब मैडम को जिस दिन छुट्टी मिलेगी उस दिन हम लोग मिल मिल के काम करेंगे, है ना बिट्टू? चलो अभी हम लोग चाय पी लेते हैं, आप लोग भी इवनिंग की चाय पी लो, फिर नाइट में देखते हैं अभी। अच्छा मैंने ना क्या किया, सारा शूट किया लेकिन मैंने ना खाने का कुछ बनाया नहीं, मतलब शूट नहीं किया बिकॉज, और मैं ना फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ वीडियोस वगैरह शूट करी, अगर कुछ मिस्टेक हुई हो तो इतनी परफेक्ट नहीं हूँ ब्लॉग शूट करने में, तो अवॉइड करना। एक्चुअली मैंने दिन भर में खाना ही नहीं खाया है, तो मैं शूट बनाऊंगी। लाइटिंग में चल रही है, दिन में सिर्फ एक बार खाना खाती है वो भी रात में, वो भी देखो डबल चिन हो रही है, कभी मेरा इतना नहीं हुआ जितना भी हो रहा है। हाँ, और बाद में डोनट खा, ब्रेड सब ब्रेड तो नहीं खाती, बिस्किट खा, बन खा, बन भी बहुत कम ही खाती है, मोस्टली तो बिस्किट ही खाती है, और साथ में ये का है हरिओम खत्म हो गया आपको हरिओम। लेकिन वो एक्चुअली ऐसी चीज है ना कि डॉक्टर ने जब से मना कर दिया था तब से, और मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा मुझको ना मेडिसिन का भी असर हो रहा है, फैट बढ़ मतलब फूल रही है बॉडी, खाती कुछ भी नहीं है सिर्फ फूल रही है बॉडी मेरी। ऑनेस्टली आज मैं सिर्फ ग्रीन टी पी और क्या साथ में कुछ भी था, मूंगफली और गुड़ था, हाँ मेरा फेवरेट। चलो नीचे जाएंगे फिर देंगे। सो गाइज यहाँ पर जो है मैं शूट करने के लिए बैठ गई थी और मुझे काफ़ी लेट हो गया था, रात में कुछ 12-1 बज गए थे, तो वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ऐसे ही था मेरा आज का दिन, होपफुली आप लोगों ने व्लॉग एंजॉय किया, मेरा फर्स्ट व्लॉग अगर किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद से न्यू व्लॉग के साथ या तो न्यू चैलेंजिंग वीडियो के साथ आप लोगों को मिलूंगी। तब तक खुद का ख्याल रखें, खुश रखें, एंड टाटा बाय बाय। But it's this time, so fun and games.